हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो विद माय डेली लाइफ में। आज हम लोग पॉम्पॉम से फिर नया कुछ बनाने वाले हैं। जी हाँ, आज हम लोग पॉम्पॉम से बनाने वाले हैं एक नया बंधन वार। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ये बहुत ही आसान और बहुत ही कम मटेरियल में बन के तैयार होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम ये बंधन वार कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पॉम्पॉम बनाना बताया है आप लोगों को, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये है उलन थ्रेड जिससे कि हम पॉम्पॉम बनाते हैं। तो इसी थ्रेड के यूज़ से हम बंधन वार का जो है पहले पट्टी बनाएंगे। पट्टी मैंने बहुत ही इजी बनाया है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैंने तीन धागा लिया, तीन उलन थ्रेड लिया हुआ है, दो येलो कलर का है और एक रेड कलर का है, क्योंकि हमारा पॉम्पॉम जो है वो येलो रेड के कलर का है। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये बड़ा वाला क्रूस लिया हुआ है जिससे कि हम ये चेन पट्टी बनाएंगे। यहाँ पर सिर्फ सिंपली हमें चेन बनाना है, तो इस क्रूस से हम चेन बना लेंगे। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को चेन बनाने आता हो, और जिन्हें नहीं आता है वो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं। क्रूस को जो है वो हम इस नॉट के अंदर से घुसाएंगे, और पीछे जो हमारा धागा है उसे हम क्रूस के हेल्प से बाहर खींचेंगे। ऐसे ही खींचते हुए बाहर की तरफ धागे को निकालते हुए हम भी पूरी तरह से चेन बना के रेडी कर लेंगे। ये है हमारा गोटा पट्टी, गोटा पट्टी का जो गोटा आता है वो, और ये हमारे मोती है, और इन्हें मतलब पिरोने के लिए जो है हमें धागे की ज़रूरत है। तो मैंने धागा ले लिया है, और देखिए ये हमारा चेन पट्टी जो है वो आसानी से रेडी हो चुका है। इसे बनाने में मुश्किल से 1 से 2 मिनट ही लगते हैं, आप आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इसके ही हेल्प से जो है हमारा बंधन वार बन के रेडी होगा। यहाँ पे हम निडिल में धागा पिरो लेंगे, धागा लगाने के बाद जो है हम इसे बनाएंगे। तो पहले हम धागा लगा लेते हैं। हम नॉट लगा लेंगे, यहाँ पे नीचे में हम गांठ लगा लेंगे, उसके बाद एक एक करके पॉम पॉम और सारे चीज़ों को पिरोना शुरू करेंगे। यहाँ पे येलो कलर का पॉम पॉम लिया है, तो पहले हम पॉम पॉम लगाएंगे, और पॉम पॉम लगाने के बाद हम एक गोटा पट्टी लगाएंगे। पॉम्पम हमारा थोड़ा बड़ा है, बड़े साइज़ का पॉम्पम बनाया है मैंने, तो इसलिए, और थोड़ा हाइट भी है, तो इसलिए थोड़ा सा सुई को निकालने में, निडिल को खींचने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। पहले पॉम्पम लगाएंगे, उसके बाद एक गोटा पट्टी लगाएंगे, और उसके बाद जो है हम मोती को आसानी से पिरो लेंगे। यहाँ पे मैंने ये आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको बीच वाले में कितनी मोतियाँ डालनी है। यहाँ पे अगर हम बीच में 5 मोती लगाते हैं या 10 मोती लगाते हैं, तो उसके जस्ट बगल वाले में हम 5-5 मोतियाँ बढ़ाते जाएंगे, ताकि हमारा जो बंधन वार है वो एक लेयर में थोड़ा बीच में पहले छोटा रहेगा, उसके बाद उसके बगल वाला थोड़ा बड़ा, उसके बगल वाला थोड़ा बड़ा, ऐसे करके हमें पूरे बंधन वार को बनाना है। तो पहले वाले में मैंने 10 मोती लगाए हैं, और उसके बगल वाले में मैंने 15 मोती लगाए हैं। तो इस तरह करते हुए पहले मैंने येलो कलर का एक धागे में येलो कलर के पॉम पॉम के साथ ये टाना बना लिया है, और पहले मैंने येलो कलर लगाया है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये येलो कलर का है। इसके बाद हम यहाँ पे रेड कलर का दूसरा मोती और अपना पम पम पिरो के लगाएंगे। इससे मतलब इसके बीच का जो गैप होना चाहिए वो बस 3 उंगली का ही होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेरा कैमरा बंद हो गया था,
तो यहाँ पे तीन तीन उंगली के गैप से मैंने यहाँ पे दोनों बगल में येलो के बगल में रेड लगाया है। तो रेड के बाद हम फिर येलो कलर का लगाएंगे पॉम पॉम। ऐसे करते हुए सीक्वेंस में हमें पूरे डिज़ाइन को तैयार कर लेना है। बस यही ध्यान में रखना है कि अगर पहले वाला जो हम टाना बनाते हैं तो उसमें अगर हम 10 मोती लगाते हैं तो उसके ठीक बगल वाले में 5-5 करके हम मोतियाँ बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि हमारा इक्वल साइज में जो टाने का लंबाई है वो बराबर दिखे और बराबर साइज में हमारा बढ़ते हुए, पहले छोटा उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा, ऐसे करते हुए हम पूरे लरी को जो है इसमें टाँक लेंगे। और टाँकने के बाद जो है आप यहाँ फाइनल लुक देख लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, तो आप इसे ज़रूर एक बार बनाएं और बनाने के बाद आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने एक एक करके जो है सीक्वेंस में पहले येलो कलर का लगाया है, फिर रेड कलर का लगाया है, फिर उसके बगल में मैंने येलो कलर का लगाया है। इस तरह हम पूरे बंधनवार को तैयार कर लेंगे।